नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। दोस्तों, हम आज सर्वे का टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर लेके आए हैं। एरर कितने प्रकार की होती है जो एज ए गुड सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। तो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो को मैं अंत तक बने रहिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको आप जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर जो होती है, एरर कितने प्रकार की होती है दोस्तों, जनरली तीन प्रकार की होती है वैसे तो हम एक बात डिस्कस करेंगे इस एरर के बारे में। तो दोस्तों पहले देखते हैं मिस्टेक एंड ब्लिंडर। जो मिस्टेक होती है, ब्लिंडर होती है, वो एक प्रकार की रेसिडुअल एरर होती है दोस्तों। कौन सी एरर होती है? एक पहली एरर हो जाएगी रेसिडुअल एरर, इसको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं और प्रोबेबल एरर भी बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड जो है उसको रैंडम एरर और प्रोबेबल एरर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में ये जो रेसिड्यूअल एरर जो होती है वो एक प्रकार की ह्यूमन एरर है। ठीक है, ड्यू टू पुअर नॉलेज एंड लैक्स एक्सपीरियंस। अगर आप उसके किसी व्यक्ति सर्वे करने वाले व्यक्ति के पास अगर पुअर नॉलेज है और लैक्स एक्सपीरियंस है, तो उसके कारण कौन सी एरर उत्पन्न हो जाती है? रेसिड्यूअल एरर हो जाती है। ये एरर जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है दोस्तों और नेगेटिव भी हो सकती है। ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं दूसरी एरर, नेक्स्ट देखेंगे सिस्टेमेटिक और कुमुलेटिव एरर। हम दोस्तों बात कर रहे हैं सिस्टेमेटिक और कुमुलेटिव एरर की। तो दोस्तों सिस्टेमेटिक और कुमुलेटिव एरर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। कुमुलेटिव एरर क्या होती है? ये एक प्रकार की सिस्टेमेटिक एरर ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में ये देखेंगे ये किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। ये रॉन्ग लेंथ चेन और टैप की अगर रॉन्ग लेंथ है तो उसके कारण उत्पन्न होती है। ड्यू टू रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन एंड टैप। जो टैप है, अपने पास चेन है, उसकी जो लंबाई है अगर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मेजरमेंट करेंगे तो इसमें क्या होगी, एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो कुमुलेटिव एरर जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर लंबाई जो है वो छोटी पड़ गई तो एरर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और उसके बाद में लंबाई ज़्यादा है तो एरर जो होगी वो क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव एरर आती है, अगर पॉजिटिव एरर आती है दोस्तों, पॉजिटिव एरर आती है तो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। करेक्शन जो होगा वो नेगेटिव करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, अगर नेगेटिव एरर आती है, नेगेटिव एरर आती है तो करेक्शन कौन सा करना पड़ेगा, पॉजिटिव करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखने की, अगर एरर पॉजिटिव है तो उसका करेक्शन नेगेटिव में होगा, अगर एरर जो है पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, तो इसका जो करेक्शन जो होगा दोस्तों वो पॉजिटिव में होगा। उसके बाद में दोस्तों एक्सीडेंटल एरर की बात करते हैं। तो एक्सीडेंटल एरर जो होती है दोस्तों, एक्सीडेंटल एरर जो होती है, जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था, जो रेसिड्यूअल एरर होती है वो ही एक्सीडेंटल प्रकार की एरर, एक प्रकार की एरर है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सीडेंटल एरर में भी इस रेसिड्यूअल एरर को गिना जाएगा। एक प्रकार की रेसिड्यूअल एरर जो है वो एक्सीडेंटल एरर ही कहलाती है। अब जो है वो एरर किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, इसकी बात करेंगे, किसके कारण उत्पन्न होती है, क्या सोर्स से एरर उत्पन्न होने के, तो देखते हैं हम दोस्तों सोर्स। अब दोस्तों देखते हैं सोर्स के बारे में, सोर्स ऑफ एरर जो होती है, एक तो पर्सनल सोर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पर्सनल सोर्स में जो आएगा, क्या आएगा पर्सनल सोर्स में, ये होता है ना, ड्यू टू रॉन्ग रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर अपन गलत रीडिंग लेते हैं, अगर नापते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसमें गलत रीडिंग लेते हैं और गलत लिख देते हैं, तो उसके कारण कौन सी एरर हो जाएगी, पर्सनल एरर, जो अपने खुद के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, पर्सनल एरर कहलाएगी। तो ये एक प्रकार का सोर्स है, एरर उत्पन्न होने का सोर्स कौन सा है, यही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा हम सोर्स देखते हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल। तो दोस्तों हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो किसके कारण उत्पन्न होती है दोस्तों, ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के कारण ये उत्पन्न होती है दोस्तों। कौन सी एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है, सोर्स ऑफ एरर हम बात कर रहे हैं, सोर्स ऑफ एरर इंस्ट्रूमेंटल जो होती है, एरर होती है वो ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी जो है वो घटिया है,
तो कौन सी एरर उत्पन्न होगी? इंस्ट्रूमेंटल एरर उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। अब बात करते हैं नेचुरल एरर की इसके बाद में। तो नेचुरल एरर जो होती है दोस्तों, नेचुरल एरर की बात करते हैं तो दोस्तों, ये नेचुरल एरर जो होती है ड्यू टू नेचुरल इफेक्ट ऑफ लाइट कौन कौन से है दोस्तों? टेम्परेचर मीन्स तापमान, वाइंड मीन्स हवा, लोकल अट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों, लोकल अट्रैक्शन। उसके बाद में देखते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो इसके कारण क्या होता है? नेचुरल एरर जो होती है दोस्तों, नेचुरल एरर जो होती है एक प्रकार की प्राकृतिक एरर होती है। तो ये किसके कारण उत्पन्न होती है? नेचुरल इफेक्ट के कारण उत्पन्न होती है। प्राकृतिक प्रभाव के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? टेम्परेचर है, वाइंड है, लोकल अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। अगर किसी हम जो सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर अगर जो आयरन है लोहा है वहाँ प्रेजेंट है तो क्या होगा? अपनी जो चुंबक है, जो कंपास लगा हुआ होता है, उसमें क्या हो जाएगा? लोकल अट्रैक्शन हो जाएगा, जिससे रीडिंग जो है वो रॉन्ग आ जाएगी। तो रॉन्ग आ जाएगी तो कौन अलग अलग आ जाएंगे? तो अलग कौन आ जाएंगे? तो उससे रीडिंग गलत आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा? इफेक्ट पड़ जाएगा लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि जो फोर बेयरिंग जो होता है और बैक बेयरिंग जो होता है दोस्तों, उसमें से माइनस करते हैं तो वो 180 के बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या होगा? जो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित होगा क्षेत्र, लोकल अर्बन जो रीडिंग ली है वो लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित होंगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं है तो कैसे पता चलेगा? अगर जो फोर बेयरिंग जो बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग जो का जो सब्सट्रैक है और फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग जो है दोस्तों उसका सबसे अगर 180 के बराबर है, ठीक है दोस्तों, 180 के बराबर हुआ, 180 के बराबर है तो दोस्तों ये एक्सीडेंट क्या होगा? लोकल अट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होगा। इसी प्रकार मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अपना ये जो है दोस्तों, ये NEWS, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ठीक है, ये डायरेक्शन है अपनी दोस्तों। तो इसमें कहीं ना कहीं अपना ट्रू बेयरिंग भी होगा दोस्तों, ट्रू बेयरिंग, जैसे कि ये ट्रू बेयरिंग है अपना, ये जो है वो ट्रू बेयरिंग है, ठीक है दोस्तों। अगर ये अपना ट्रू बेयरिंग है तो ये अपना पूरा हो जाएगा यहाँ से ये मैग्नेटिक बेयरिंग, ठीक है दोस्तों। अगर ये मैग्नेटिक बेयरिंग है तो ये ट्रू मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, ठीक है दोस्तों, ट्रू बेयरिंग से मैग्नेटिक बेयरिंग के जो बीच में जो ये डिस्टेंस आएगी, जो मतलब जो ट्रू बेयरिंग जो होती है दोस्तों, ट्रू बेयरिंग जो होती है वो मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है, ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है। तो ट्रू बेयरिंग जो होती है वो मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है। तो ट्रू बेयरिंग तो ये क्या हो जाएगा? डिक्लिनेशन आ जाएगा, थीटा आ जाएगा डिक्लिनेशन ये, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में से ट्रू बेयरिंग ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? डिक्लिनेशन आ जाएगा। तो दोस्तों यही होता है डिक्लिनेशन के कितना झुकाव है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर ये ईस्ट साइड में है तो इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों, डिक्लिनेशन क्या आ जाएगा? डिक्लिनेशन पॉजिटिव आ जाएगा। अगर वो ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में है तो डिक्लिनेशन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव कब आएगा? जो वेस्ट साइड में है, डिक्लिनेशन जो है वो वेस्ट साइड में है, तब डिक्लिनेशन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हमने बात हुई सोर्स ऑफ एरर और मैग्नेटिक मेरिडियन और लोकल अट्रैक्शन की, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में ये तो एरर ट्रू एरर जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रू एरर क्या होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ट्रू एरर के बारे में हम देखते हैं थोड़ा बहुत, ये जानकारी अच्छी रहेगी जान लेंगे तो जो ट्रू एरर होती है, जो दोस्तों ट्रू एरर जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू जो होती है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जो होती है, उस मेजर्ड वैल्यू जो होती है उसका जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो होता है अपना ट्रू एरर होती है,
ट्रू एरर क्या होती है दोस्तों, ट्रू वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर मेजर्ड वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अपनी क्या आ जाएगी, ट्रू एरर आ जाएगी। तो ट्रू एरर क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू में से मैग्नेटिक वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है उसको घटा देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगी, ट्रू एरर आ जाएगी। अब रेसिडुअल एरर की बात करते हैं, रेसिडुअल एरर जो होती है दोस्तों क्या होती है, रेसिडुअल एरर जो होती है इसमें क्या हो जाएगी, प्रोबेबल वैल्यू होती है, प्रोबेबल वैल्यू जो होती है, प्रोबेबल वैल्यू में से माइनस मेजर्ड वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो रेसिडुअल एरर आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबल एरर में से मैग्नेटिक एरर जो मेजर्ड वैल्यू जो होती है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रेसिडुअल एरर आती है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा शानदार है दोस्तों, ये ट्रू एरर और रेसिडुअल एरर बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए कि ट्रू एरर होती क्या है, रेसिडुअल एरर क्या होती है, अपन आगे भी पढ़ा है दोस्तों कि आगे भी बहुत कुछ पढ़ के आए हैं दोस्तों अपन, ठीक है दोस्तों। नेचुरल एरर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लिया अपन ने, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कुछ देखा है अपन ने, मिस्टेक के बारे में, ब्लिंडर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों। तो इसी का साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।